नमस्कार दोस्तों, कैफे ओरेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम रोटी का ये स्प्रिंग रोल बनाएंगे। तो आपके पास अगर सीट नहीं है या आप जल्दबाजी में हैं, आपके बच्चे को खाना है, तो आप रोटी से भी बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। तो चलिए आज हम रोटी से ही बनाएंगे, रोटी का ही सीट बनाएंगे। तो इसके लिए हम कुछ सब्जी लिए हैं जो हम बना लेते हैं। पत्ता गोभी, प्याज, गाजर, ये लाल शिमला मिर्च, ये पीला शिमला मिर्च और ये हरा शिमला मिर्च, तीनों तरह के मेरे पास थे। और ये थोड़ा सा बीन्स हम पतला पतला कट कर लिए हैं। तो जो भी सब्जी आपके पास उपलब्ध हो, नहीं भी हो ये दोनों, तो आप सिर्फ हरा का ही ले सकते हैं। तो कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डाल दिए हैं। सबसे पहले इसमें हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को हल्का भून लेते हैं, फिर सारी सब्जी हम डालेंगे। ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा ही पकाना है। अब इसमें हम ये पत्ता गोभी, ये सारी सब्जियां इसमें हम डाल देते हैं। इसमें हम सारी सब्जियां डाल दिए हैं और इसे हम पका लेते हैं। ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, गलाना नहीं है, थोड़ा सा ही इसका क्रंच इसमें रहने देना है। हम जो भी रेसिपी आप लोग को बताते हैं एकदम आसान तरीके से, इसे सब लोग बना सकते हैं कम सामान में भी। हम इसमें एक चम्मच बस एक चम्मच टोमेटो सॉस डाल दिए हैं। आप चाहें तो डालें वरना स्किप करें। थोड़ा सा विनेगर डाल देते हैं, आधा चम्मच के करीब। ये रेड चिल्ली सॉस है, इसे भी हम डाल देते हैं, टेस्ट अच्छा आएगा। इसे भी हम डाल दिए हैं और ये थोड़ा सा सोया सॉस, इससे बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा। अब सबको हम मिक्स कर देते हैं। हम अभी नमक नहीं डाले हैं क्योंकि ये सॉस में नमक रहता है। इसे 2 मिनट और पका के हम गैस बंद कर देंगे। ये बन गया है, देखिए थोड़ा भी गीला नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। ये ठंडा हो गया है, इसे हम ठंडा कर लिए हैं। देखिए देखने से ही कितना सुंदर लग रहा है। अब हम कुछ रोटी लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। हम ये सब्जी रख देते हैं। और ये मैदा का घोल बनाए हैं हम, हाथ से इसके चारों तरफ लगा देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देगा जैसा कि हम मैदा का बनाते हैं। तो इसे हम इस तरीके से कर लेंगे।
ये इस तरीके से हम चिपका देंगे। तो ये देखिए ये चिपक के तैयार हो गया है, पूरा चिपक गया। इसी तरीके से हम सब बना लेते हैं। तो ये देखिए बना के हम डाले हैं। से पलट के हम दोनों साइड से सेक लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा से ये सीका है। निकाल लेते हैं सबको, पक गया है अच्छे तरीके से। देखिए बिल्कुल नहीं खुला है, ये देखिए। तो हम आसान तरीका बताए हैं, जब भी आपके घर में बच्चों को खाने का मन रहे, आप अगर इसका शीट नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसे रोटी का भी बना के खिला सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा बन के ये तैयार हो गया है। अब इसे हम कट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो हम बहुत आसान तरीके से आपको हर रेसिपी बताते हैं, बनाना आपका काम है। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।